नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज ओबीसी के माध्यम से चांद सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व में एवं बीएस भदौरिया के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट जाकर का ज्ञापन दिया गया। त्रिस्तरीय पंजाब चुनाव में सरकार द्वारा ओबीसी का आरक्षण निरस्त करने पर विरोध जताते हुए कहा कि ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए एवं उसकी जातिगत जनगणना की जाए तथा ओबीसी के जो हक अधिकार है सरकार द्वारा उन्हें दिए जाए। ओबीसी का कहना है कि देश आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं और हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, लेकिन पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो सबसे अधिक भारत देश में पाई जाती है उनकी अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है। ओबीसी की मांग है कि जनसंख्या के हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया जाए। ओबीसी का कहना है कि अगर उनके साथ ऐसा अन्याय होता रहा तो वे 2 जनवरी से आंदोलन करेगी एवं धरना प्रदर्शन भी करेगी। साथ ही ज्ञापन देने में भी बीएस भदौरिया, बीबीएम जिलाध्यक्ष जन्म सिंह परमार, बीबीएम प्रदेश अध्यक्ष राजेश मालवीय, उमेश राय, अर्जुन प्रजापति, विकास यादव और सोनू कालमोडिया शामिल थे। सीओर से खालिद खान की रिपोर्ट। आसन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में पिछले वर्ष की लगभग 50% आबादी है। साथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुखिया जो किसी वर्ग से संबंध रखते हैं, समान परिस्थितियों के बावजूद भी ओबीसी वर्ग के प्रबुद्धजनों, युवाओं और छात्र छात्राओं के हितों पर सत्ता और प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी और उच्च न्यायालय में बैठे जातिवादी मानसिकता के न्यायाधीशों द्वारा लगातार कुठाराघात किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण ये है कि आज़ादी के इतिहास में आज तक ओबीसी आरक्षण को संविधान जन्म भाई बोलिए। आज ओबीसी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है। इस देश के अंदर जब से भारत आज़ाद हुआ था 1950 से लेकर आज आज़ादी के 74 साल हो चुके हैं, लेकिन इस देश के अंदर हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, लेकिन प्रत्येक जाति और सभी जाति की गिनती होती है, लेकिन इस देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के अंदर पाई जाती है उनकी अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है। इस देश के अंदर जानवरों की गिनती होती है लेकिन ओबीसी की आज तक जनगणना नहीं हुई है कि इस देश के अंदर ओबीसी की कितने लोग निवास करते हैं। इस देश के अंदर मोर की गिनती होती है, कुत्ते की होती है, बिल्ली की गिनती होती है कि भारत के अंदर इतने कुत्ते इतने बिल्ली पाए जाते हैं, लेकिन ओबीसी के साथ आज तक 74 साल तक उनके साथ अन्याय अत्याचार होता रहा है। आज ओबीसी महासभा के द्वारा आज के संबंध में ज्ञापन दिया गया। आज हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो ओबीसी का आरक्षण निरस्त करा है सरकार ने, इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व के हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए एवं उसकी जातिगत गणना की जाए एवं ओबीसी के जो हक अधिकार है उनको दिलाने में सरकार सहयोग करे, और नहीं तो ओबीसी महासभा अब आंदोलन के लिए तैयार है और अगर ओबीसी के साथ अन्याय होता रहा ऐसा तो ओबीसी महासभा आने वाली 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ओबीसी ने जो आपने सबके आरक्षण बरकरार रखे, लेकिन ओबीसी ने ऐसा कौन सा पाप करा था कि जो आपने ओबीसी का जो आरक्षण ख़त्म करा है? ओबीसी इस देश का नागरिक नहीं है क्या? ओबीसी गरीब नहीं है क्या? आप सबको आरक्षण देते हो, ओबीसी समाज ने कभी भी किसी पर सवाल आज तक नहीं उठाया, लेकिन जब ओबीसी का नंबर आता है तो सारे लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि ओबीसी को आरक्षण क्यों दे रहे हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, हम पत्रकारों के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण अभी जो 27% है वो और गिनती करा के उसको गिनती के हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना पड़ेगा, और नहीं तो ओबीसी महासभा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आंदोलन करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।